नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कश्मीर पर दिखी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की बौखलाहट। कहा, जब तक भारत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर अपना फैसला नहीं लेता है, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध नहीं करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत कबीर नगर से पूर्व सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद त्रिपाठी के असमय निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और लिखा, शरद त्रिपाठी के असमय निधन से दुखी हूं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 3 बजे चिकित्सा बिरादरियों को संबोधित करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के कानून मानने ही होंगे, यहां वे जबरदस्ती कारोबार नहीं कर सकते। मानसून के मौसम में दिल्ली वासियों को भयंकर गर्मी और लू झेलनी पड़ रही है। फिलहाल दिल्ली वासियों को गर्मी से आज भी राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार और यूपी सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना है। जल्द शुरू हो सकता है 12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण। जायडस कैडिला ने टीके के आपात इस्तेमाल के लिए DCGI से अनुमति मांगी है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे विधायिका या कार्यपालिका के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। राज्यों की बदहाल बिजली वितरण कंपनी की दशा व दिशा सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डिस्कॉम के लिए 5 वर्षों तक चलने वाले सुधार आधारित कार्यक्रम का ऐलान किया गया। आज से LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई है, चाहे वे घरेलू हों या कमर्शियल, दोनों की कीमतें बढ़ गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है, कम से कम अब सरकार को मुआवजे की राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा और टीकाकरण अभियान पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 10वीं की परीक्षा के अंक मूल्यांकन करने के तरीके व आधार को सार्वजनिक करने की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जीकर्ता को जमकर लतारा। कश्मीर में 2 सिख युवतियों का अपहरण कर उनके धर्मांतरण के मामले में सिख विद्वान हरपाल सिंह पन्नू ने कहा कि पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी लव जिहाद विरोधी कानून को लागू किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने अब राज्य में आंदोलनकारी किसानों पर सख्ती का संकेत दिए हैं, जिसके तहत आंदोलन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। उपचुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात को दिल्ली आए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी आज से रोका छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सफलता के लिए सभी किसानों से सहयोग की अपील की है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इन दिनों पालकों की खरी खोटी सुनने के मामले में कहा कि गलती हो गई, पालकों पर FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाने व 3 उपचुनाव जीतने के लिए पदाधिकारी व नेता एक मुहिम चलाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यवाहक महानिदेशक SA सक्सेना ने जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा कर ड्रोन हमले से उपजे हालात का जायजा लिया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने 10 सीटों वाले 2 इंजन का एयरक्राफ्ट किराए पर लेने के लिए निविदा जारी किया है, ताकि उनकी पार्टी सुप्रीमो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर भारत के तमाम पुलिस महानिदेशकों के साथ समन्वय समिति बैठक में उड़ीसा पुलिस महानिदेशक अभय सिंह की अध्यक्षता में राज्य पुलिस के बीच समन्वय कायम करने के लिए अहमियत दी गई। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गुजरात मंत्रिमंडल की बैठक में विजय रूपानी ने सभी मंत्रियों को दो दो जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने को कहा ताकि उनके समस्या का समाधान निकाला जा सके। राजस्थान के कार्मिक सचिव हेमंत कुमार गेरा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी सरकारी कार्मिकों को 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच सभी तरह की संपत्ति का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगी। टमाटर का इस्तेमाल मोनोपॉज के लक्षणों को कम करने में मददगार साबित होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 8 हफ्तों तक दिन में 2 बार 200 मिलीलीटर टमाटर का जूस पीने से मोनोपॉज की तकलीफों को कम किया जा सकता है। भारतीय सेना ने वुमेन्स मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, लेकिन सीरीज की शुरुआत से पहले टीम के ओपनर शुभम गिल चोटिल हो गए हैं और उनके पहले मैच में खेलने पर संशय है। बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर ने अपने भाई शाहिद कपूर के साथ शेयर की सनकिस्ड सेल्फी। इस सेल्फी को सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, ब्रदर आर ऑन फादर। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।